स्टूडेंट्स, आवर न्यू टॉपिक इज कर्व। द पिक्चर दैट आर रिजल्ट ऑफ योर डूडलिंग आर कॉल्ड कर्व्स। तो इसका मतलब क्या है, जो भी आप फ्री हैंड राइटिंग में कुछ भी वैसे बना रहे हो, वो सारे क्या है, कर्व है। ये सारे कर्व्स है, ठीक है। ये भी एक कर्व है, ये जरूर आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही, बट मैथमेटिकली इट इज एन कर्व। ओके, सो ये क्या है, द पिक्चर दैट आर रिजल्ट ऑफ योर डूडलिंग आर कॉल्ड कर्व्स। डूडलिंग दैट मीन्स जो भी आप अपनी पेंसिल की हेल्प से, पेन की हेल्प से एक रफ पेज पे कुछ भी एक शेप बना दीजिए, दैट इज अ कर्व। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कर्व। बेसिकली कर्व्स आर टू टाइप्स, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व, ओपन कर्व क्या होता है, अ कर्व विथ बोथ एंड्स आर ओपन आर कॉल्ड ओपन कर्व। जिस कर्व के दोनों एंड ओपन हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम ओपन कर्व। एंड क्लोज्ड कर्व, अ क्लोज्ड कर्व हैज स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट आर सेम इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। जिसके स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, जैसे ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया, ये दोनों सेम होना चाहिए। दैट मीन्स इस टाइप से अगर कोई कर्व बना है, दैट मीन्स वो क्लोज्ड कर्व है। अ कर्व डू नॉट क्रॉस इट सेल्फ देन इट इज कॉल्ड अ सिंपल कर्व। अगर कोई कर्व खुद को अपने आप में कहना चाहिए क्रॉस नहीं करता है। अब क्रॉस नहीं करता से मतलब क्या, जैसे ये एक कर्व मैंने स्टार्ट करा और ये इसको क्रॉस करते हुए ऐसा बन गया, तो ये एक सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व की डेफिनेशन क्या है, जस्ट ऐसे चला और ये फिर से इस टाइप से मिल गया, ठीक है। नॉट, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इटसेल्फ क्रॉस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ सिंपल कर्व। पोजिशन इन अ फिगर। सो कर्व के कुछ पोजिशंस होती है, उसको समझेंगे अपन। ये सपोज दैट एक कर्व है, ये एक कर्व है, ठीक है। इसके अंदर के रीजन को बोलते हैं हम इंटीरियर रीजन, इसके बाहर के रीजन को बोलते हैं हम एक्सटीरियर रीजन। इंटीरियर में पॉइंट ए हो गया, एक्सटीरियर में पॉइंट बी हो गया। एंड सी जो है वो ऑन द बाउंड्री है। सी क्या है, ये एक बाउंड्री बन रही, इसी के अंदर और बाहर की बात कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम बाउंड्री। एंड ये जो शेडेड पार्ट दिखता है इसको आप बोलते हैं रीजन। क्या बोलते हैं, रीजन। इंटीरियर इनसाइड ऑफ द कर्व पॉइंट ए, एक्सटीरियर आउटसाइड ऑफ द कर्व पॉइंट बी, बाउंड्री ऑन ऑफ द, ऑन मतलब कर्व के ऊपर, बाउंड्री दैट मीन्स ऑन ऑन द कर्व पॉइंट सी। द इंटीरियर ऑफ अ कर्व टूगेदर विद इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड रीजन। देखो इंटीरियर ऑफ द कर्व क्या बोलते हैं हम इसको, जो शेडेड पार्ट है उसको बोलते हैं हम रीजन। टॉपिक इज पॉलीगन। पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। पॉलीगन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है जो कि बना होता है लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट एग्जाम्पल, जैसे ये एक पॉलीगन है, तो अगर हम देखा जाए तो ए बी क्या एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसके दो फिक्स पॉइंट है ए एंड बी। सिमिलरली बी सी, सी डी एंड डी ए आर द लाइन सेगमेंट्स। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीगन्स। ओके, अब इस पॉलीगन्स में होता क्या क्या है, होती साइड्स, जैसे ए बी एक साइड हो गई, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये सारी क्या है, साइड्स है। लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। दैट मीन्स फिगर वन को देखना है आपको, ठीक है, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, वर्टेक्स। द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। मीटिंग पेयर दैट मीन्स ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ पर क्या हो रही, दो लाइन सेगमेंट मीट कर रही है, ए बी एंड ए डी, तो ये क्या हो गया, एक वर्टेक्स। वैसे सिमिलरली बी, सी एंड डी, ये सारे क्या है, वर्टेक्स है। साइड ए बी एंड ए डी मीट एट ए, सो ए इज अ वर्टेक्स। एडजसेंट साइड, अब एडजसेंट साइड क्या होता है, एनी टू साइड्स विथ अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजसेंट साइड ऑफ द पॉलीगन। साइड ए बी, देखो कॉमन, एनी टू साइड विथ अ कॉमन एंड पॉइंट। कॉमन एंड पॉइंट अगर हम एग्जाम्पल ले, चलो इसका ले लेते हैं ए का, ठीक है, तो ये ए डी एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है एंड ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए डी एंड ए बी, इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट क्या है, तो ये दोनों जो साइड है ए बी एंड ए डी, ये दोनों कैसी होगी, एडजसेंट होगी, ठीक है। सिमिलरली आप बी सी के लिए भी ले सकते हो,
ए बी एंड बी सी, तो ये दोनों साइड कैसी हो गई, एडजेसेंट साइड्स हो गई। अब एडजेसेंट वर्टेक्स द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ अ पॉलीगन आर कॉल्ड द एडजेसेंट वर्टेक्स, सेम साइड ऑफ अ पॉलीगन पॉइंट, क्या बोल रहा है, एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ अ पॉलीगन आर कॉल्ड द एडजेसेंट वर्टेक्स। जैसे वर्टेक्स ए एंड डी आर द एडजेसेंट, बट ए ये ए वर्टेक्स ए एंड डी ये तो कैसे हो गए, एडजेसेंट हो गए ए एंड डी, बट ए एंड सी ये एडजेसेंट नहीं है, ये कैसे हो गए, अपोजिट हो गए। फिर से देखो, ए एंड बी ये दोनों कैसे हो गए, एडजेसेंट है, बट बी एंड डी नॉट एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड ए बी एंड बी सी हो गई, ए बी एंड ए डी भी एडजेसेंट साइड होगी। देन डायगनल्स, द जॉइंट्स ऑफ दीज वर्टाइसेज आर कॉल्ड डायगनल्स ऑफ द पॉलीगन। देखो द जॉइंट्स ऑफ दीज वर्टाइसेज आर कॉल्ड डायगनल्स ऑफ द पॉलीगन। जैसे ए एंड सी ये दोनों क्या है, वर्टाइसेज है, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसी को क्या बोलेंगे हम, डायगनल। सो हियर ए सी इज अ डायगनल एंड बी डी इज अल्सो डायगनल। फिगर से समझ में आया आपको, AC इज अ डायगनल एंड BD इज अ आल्सो एन डायगनल। ओके, नाउ मूव टू अवर एक्सरसाइज 4.2, दिस इज अ जस्ट इंट्रोडक्शन टू दिस एक्सरसाइज। नाउ मूव टू द क्वेश्चन 4.2, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ओपन और क्लोज्ड। अगर यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है विच वन इज ओपन एंड विच वन इज क्लोज्ड। सो हियर टू both end points are open, that means the curve is open, is a closed curve, is open, closed and closed curve. So question number 1 aapko book mein kar lena hai, copy mein karne ki zarurat nahi hai. Okay, draw a rough diagram to illustrate the following open curve and closed curve. Ye homework hai aapke liye, aapko ab acche se pata hai ki open curve and closed curve kaise banta hai. Draw any polygon and shaded its interior. Aapko ek koi bhi polygon banana hai, theek hai, polygon that means किसी भी साइड आप कोई भी ले सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, इवन ये हो गया कोई भी आप एक पैसा पॉलीगन बना लेना और इसके अंदर के पार्ट को शेड कर देना, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। नाउ जैसे यहाँ पर भी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप किसी भी एक पॉलीगन को बना के शेड कर देना, दिस ऑल्सो होमवर्क। कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। ये एक फिगर दे रखा है हमको, ये जो स्टार आपको दिख रहा है ये फिगर हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। इज इट अ कर्व, यस ये कर्व है, व्हाई, बिकॉज इट्स स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट इज सेम एंड इट इज अ कर्व, ठीक है, ये भी एक क्या है, कर्व है। इट इज अ क्लोज्ड, यस इट इज अ क्लोज्ड कर्व, तो बहुत यहाँ पे आपको जस्ट ए लिख के यस करना है, देन ये डायग्राम बनाना है आपको यस एंड यस, ए एंड बी दोनों के आंसर कैसे, यस। इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ रफ डायग्राम। आपको डायग्राम बनाना है इसके लिए। अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन, एक ऐसा क्लोज्ड कर्व बनाना है जो कि पॉलीगन नहीं हो, तो क्या बनेगा, देखो आपको क्या करना है, ये आपने एक लाइन सेगमेंट खींची, अनदर लाइन सेगमेंट, बट ये जो पोर्शन होगा इसको आप कर्व फॉर्म में बना देना, ठीक है, तो ये क्या कहला जाएगा आपके लिए, एक ये क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड कर्व है बट ये एक पॉलीगन नहीं है, कर्व तो है बट नॉट अ पॉलीगन। एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ इंटायरली ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो देखो एक आप ऐसा ओपन कर्व बना देना, आप कुछ भी शेप बना सकते हो, ठीक है, बट ओपन होना चाहिए एंड मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। अगर हम नेमिंग करें तो ए बी सी एंड डी, ये हो गया आपके लिए एक ओपन पॉलीगन मेड अप ऑफ, ओपन कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। पॉलीगन विथ टू साइड्स, अब कोई पॉलीगन टू साइड से नहीं बन सकता, नॉट पॉसिबल, क्यों, अगर टू साइड लेंगे तो सपोज दैट ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया, टू साइडेड क्या होगा, अगर ये ए बी है और ये सी हो गया तो ए बी एंड बी सी, तो क्या ये एक पॉलीगन होगा, नहीं, पॉलीगन की डेफिनेशन क्या बोलती है,
इट इज अ क्लोज्ड कर्व, फर्स्ट इंपोर्टेंट, इट इज अ क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट तो है बट ये क्लोज्ड है क्या? नहीं है। सो टू लाइन सेगमेंट से एक क्लोज्ड कर्व नहीं बन सकता, सो द फिगर इज नॉट पॉसिबल। आवर एक्सरसाइज 4.2 इज कंप्लीटेड। नाउ इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके लिए कॉपी में बुक में करना है, 2 एंड 3 होमवर्क है, 4 एंड 5 के लिए मैं ये फिगर का पिक आपको डाल दूंगा, ठीक है? तो आप इसको होमवर्क कर लेना। थैंक यू।